Hi guys, welcome back to my channel. So after a long time then I made a video. So basically the thing is today I change my stock to this NGK Iridium spark plug, that is DS6 ready, and it cost me around nearly 2000. Here it's printed 2360, but I got it around 2150 rupees. That's the thing. And मतलब मेरे गाड़ी अभी जो है 10,000 भी नहीं हुआ, लेकिन जो है जो गाड़ी मतलब जब कोल्ड स्टार्ट मैं देता हूँ, उसके बाद जब फर्स्ट गियर या सेकंड गियर से गाड़ी को मतलब जो है मतलब निकलता हूँ, तो उस टाइम पे एक झटका देता है. तो उसके लिए ये मैं इरिडियम जो है स्पार्क प्लग मैं लगाने का मतलब ठीक किया हूँ. तो ये जो स्पार्क प्लग है मैंने मई महीने का फर्स्ट में ही ले लिया था, लेकिन एकदम ही टाइम मुझको नहीं हुआ गाड़ी को गाड़ी में आके ये चीज़ लगाने के लिए. सो आज भी इरिडियम स्पार्क प्लग लगाएंगे. और इधर है जो मेरा गाड़ी का ऑयल फिल्टर, हालांकि स्पेयर बोस जो है वहाँ से मैंने ऑयल फिल्टर लिया था, OEM ऑर्डर किया था मैंने, लेकिन वो लोगों ने भेज दिया लोकल वाला ऑयल फिल्टर. सो एक बार मैं लोकल मैकेनिक से पूछता हूँ वो ठीक है क्या, नहीं तो ये चीज़ लगा लूँगा वो निकल के. सो दैट द थिंग. और जो है स्पेयर बोर्स मतलब जिधर से मैंने जो ऑयल फिल्टर लिया था उधर में भी ये NGK का इरिडियम स्पार्क प्लग मिलता है, आपको उधर 3 मिल जाएगा. लेकिन बात यही है, उधर मैंने जब ऑयल फिल्टर लिया OEM ऑयल फिल्टर ऑर्डर देने के बावजूद भी जो चीज़ मुझको लोकल भेज दिया, तो मेरा उधर से विश्वास ही उठ गया उस वेबसाइट से. सो ये मैंने ऑर्डर किया हूँ motoparts.com करके एक वेबसाइट है, उधर से उधर आपको मतलब 3 स्पार्क प्लग नहीं मिलेगा, बाय डिफॉल्ट 4 ही मिलेगा. सो दैट द थिंग, मैं वहाँ से लिया, एक स्पार्क प्लग मेरा एक्स्ट्रा भी रहेगा. सो चलो अभी ये चीज़ लगाते हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ. लेकिन हालांकि आज मैं कुछ मतलब फ़र्क नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब मैं स्पार्क प्लग लगाऊँगा उसके बाद गाड़ी हीट रहेगा, तो ये चीज़ देखने के लिए मुझको मतलब कोल्ड स्टार्ट से गाड़ी को उठाना पड़ेगा, तब कुछ फ़र्क महसूस होगा. सो चलो देखता हूँ. सो गाइस अभी जो है मेरा जो स्पार्क प्लग मैंने लगा लिया, इधर जो है एक है मतलब 4 मैंने तो ऑर्डर किया था, मतलब 4 बाय डिफॉल्ट आता ही है, सो उसमें ही एक बचा है और 3 अभी लगा लिया. और जब मैंने इंजन ऑयल चेंज किया था उस टाइम पे जो लोकल ऑयल फिल्टर था स्पीआर बोर्ड्स करके जो वेबसाइट है वहाँ से आया था, तो वो चीज़ मैंने लगाया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे मुझको ज़रूरत थी कार की, मतलब कुछ जगह जाना था. सो उस टाइम पे मुझको लगाना ही था, मतलब लगाना पड़ा एक्चुअली. लेकिन अभी जो है बुटमो से मैंने ऑर्डर किया था, और वो भी ऑयल फिल्टर जो है मतलब स्टॉक मतलब यू कैन सी कि ओरिजिनल जो OEM ऑयल फिल्टर आता है वो चीज़ मैंने लगा लिया. थोड़ा सा इंजन ऑयल मतलब बाहर आया नियरली 50 ml टू 100 ml, और वो मैंने बोला कि आप नहीं डालो, क्योंकि वो एक्चुअली उन लोगों का जो है कंटेनर में वो गिरा. सो उसके लिए मैंने वो इंजन ऑयल डाला नहीं, क्योंकि 100 ml से उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आई गेस. हालांकि अगर पड़ता भी होगा तो मैं देख के चेंज कर लूँगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है. सो अभी जो है स्पार्क प्लग चेंज कर लिया, और इनिशियल इम्प्रेशन जो है अभी यही है, गाड़ी जब स्टार्ट होता है स्टार्ट के टाइम पे जो एक जर्क देता है, मतलब जब मैं की घुमाता हूँ जो स्टार्ट लेता है गाड़ी उस टाइम पे, वो एकदम रिड्यूस हो गया. सो यही है अभी के लिए, बाद बाकी जो कोल्ड स्टार्ट में जो जर्किंग का इशू है वो बाद में देखूंगा कितना क्या रिजॉल्व हुआ क्या नहीं. और वन थिंग, उधर मैंने एक्चुअली शूट कर नहीं पाया था, क्योंकि मेरा जो गाड़ी मैं इससे मतलब अभी जिधर रखता हूँ उससे पहले जिधर रखता हूँ उधर भी एक पंच रहता था उस टाइम पे. सो वो ओनर एक्चुअली उस ओनर ने भी जो है वहाँ एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लिया, और बाहर से अभी इंजन ऑयल चेंज कर रहा है, तो उधर वो मिल गया था, तो उसके साथ ही थोड़ा बात कर रहे थे. तो उस टाइम पे मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि वीडियो बनाऊँ. सो दैट द थिंग, इसके लिए जो प्लग चेंज का कुछ वीडियो मैं बना नहीं पाया, लेकिन जो चीज़ है यही कि जो प्लग चेंज आप घर में कर नहीं सकते, अगर आपके पास टूल होगा तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत. और कुछ जानना है ये मतलब ये स्पार्क प्लग रिलेटेड और एनी अदर थिंग विच आई इंस्टॉल माई कार, सो यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो. सो
या चलो एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ। अभी जो है देखो वेदर एकदम मतलब मक्खन सा हो गया पूरा, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है। सो या एक छोटा सा एक राइड लेते हैं उसके बाद चले जाते हैं। और एक चीज जो पुराना प्लग था वो जो लोकल मैकेनिक बोला था मैं रख लूँ वो तो चलो मैं दे दिया, लेकिन बात यही है कि प्लग का जो कंडीशन है वो एकदम ठीक ठाक नहीं था, रेड रेड सा हो गया था। तो लोकल मैकेनिक ने जो बोला गाड़ी का मतलब माइलेज कम दे रहा था, इसके वजह से जो प्लग में जो रेड रेड आ जाता है मतलब पेट्रोल जो बर्निंग ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे ही जो प्लग में जो है जो टिप है टिप के ऊपर रेड रेड सा हो जाता है। सो अभी मैं देखता हूँ एनजीके का स्पार्क प्लग लगा लिया कैसे क्या परफॉर्मेंस है और क्या मैं फ्यूल एफिशिएंसी निकल पाता हूँ, उसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी देखो मेरा गाड़ी 9507 मतलब 9500 पे मैंने प्लग चेंज किया। सो कुछ ही दिन चलाता हूँ और ऑलमोस्ट एक दो महीने के बाद मैं एक फिर से रिव्यू देने का कोशिश करूँगा। सो गाइस अभी मैंने इंजन का जो है बोनेट खोल लिया और ये चीज दिखाने के लिए ये देखो इधर ये है जो ओरिजिनल साइड पे मतलब ये फिल्टर का और एक जो साइड है पीछे वाला साइड उधर टाटा का पैकिंग है, ये है ओरिजिनल OEM ऑयल फिल्टर, ये मैंने लगा लिया। फिकर कि मेरा ऑलमोस्ट 190 रुपीज़ चला गया क्योंकि वो फिल्टर भी एकदम नया ही था, मतलब 300-500 किलोमीटर मैंने चलाया वो वाला फिल्टर, लेकिन रिक्स नहीं भाई गाड़ी के जब गाड़ी का इंजन का बात आता है तो मैंने चेंज कर लिया। और पार्क प्लग जो है इधर रहता है, ये चीज पूरा खुलना होगा, इधर आपका तीन जो है क्या बोलूँ सिलेंडर का जो हेड है हेड मिलेगा उधर ही पार्क प्लग इंस्टॉल रहता है। तो बहुत ही इजी स्टेप है, अगर आपके पास टूल है तो आप खुद ही चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर टूल नहीं है तो लोकल में भी चेंज करोगे और 100-200 रुपया लेगा। मेरे टाइम पे 150 रुपया लिया क्योंकि वो लोग जो है ऑयल फिल्टर भी चेंज कर दिया उस प्राइस में, दैट्स द थिंग। अभी मेरा घर पे एयर फिल्टर भी आ गया है गाड़ी का, एयर फिल्टर मैं खुद चेंज करूँगा। इधर जो है 6 स्क्रू होता है शायद, 6 स्क्रू खुल के एयर फिल्टर मैं खुद ही चेंज कर लूँगा, उसका भी एक वीडियो मैं बाद में दूंगा। तो यही चलो एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ, एज ऑफ नाउ यही है। चलो थैंक यू।